श्रोताओं, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अदालत में जब भी कोई गवाही देने आता है तो वह व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है। क्या आप जानते हैं कि ये प्रथा कब शुरू हुई थी और क्या ये अब भी चालू है? चलिए आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जरा इस हटके वाली खबर को अपने दोस्तों और जान पहचान के लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, भारत में मुगलों और अन्य शासकों के शासन के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी। हालांकि इस समय तक यह एक दरबारी प्रथा थी, इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इंडियन ओथ्स एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में इसे लागू कर दिया। अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। दोस्तों, ऑडियो अगर पसंद आया है तो उसे पूरा सुनने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें खबरी ऐप।